दुनिया में कोरोना के है सबसे ज्यादा भारत में। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 35 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 78,761 नए केस। देश में इलाज के बाद 27,13,934 अस्पतालों से किए गए मरीज डिस्चार्ज। कोविड की चपेट में आने से अब तक 63,498 कोरोना मरीजों की मौत। देश में 4,14,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट। मंगलवार को एक दिन में 10,55,027 नमूनों की गई जांच। अनलॉक के चौथे चरण की गाइडलाइंस भी जारी। 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो के परिचालन को मंजूरी। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत। लॉकडाउन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब केंद्र से चर्चा किए बगैर कंटेनमेंट जोन और अलग से लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएंगे राज्य। हरियाणा में अब कोई लॉकडाउन नहीं। हर दिन खुलेंगे बाजार। सरकार ने वापस लिया आदेश। महाराष्ट्र में 1,85,467 एक्टिव केस। 5,54,711 लोग हो चुके ठीक। 24,103 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 53,360 एक्टिव केस। 1,62,741 लोग हो चुके ठीक। 3,356 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 52,726 केस एक्टिव। 3,55,727 लोग हो चुके ठीक। 7,137 लोगों की मौत। गुजरात में 15,109 एक्टिव केस। 75,636 लोग हो चुके ठीक। 2,989 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 97,681 एक्टिव केस। 3,12,687 लोग हो चुके ठीक। 3,796 लोगों की मौत। असम में 20,995 एक्टिव केस। 82,510 लोग हो चुके ठीक। 289 लोगों की मौत। बिहार में 17,670 एक्टिव केस। 1,14,772 लोग हो चुके ठीक। 561 लोगों की मौत। पंजाब में 15,409 एक्टिव केस। 34,091 लोग हो चुके ठीक। 1,348 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 13,117 एक्टिव केस। 46,413 लोग हो चुके ठीक। 1,345 लोगों की मौत। राजस्थान में 14,776 एक्टिव केस। 62,971 लोग हो चुके ठीक। 1,030 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 25,996 एक्टिव केस। 1,27,644 लोग हो चुके ठीक। 3,126 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 2,05,00,000 संक्रमितों में से 8,46,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 1,07,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर। यहां पर अब तक 61,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। वहीं 34,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ब्राजील में 38,46,965 एक्टिव केस। इनमें से 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 30,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक।